सुधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बैगन भरवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और आपको ये सब्जी बहुत ही पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। भरवा बैगन बनाने के लिए हमने 9 बैगन लिया है, कुछ मोटा कुछ पतला, एक टमाटर जिसे हमने मोटा काट लिया है, धनिया पत्ता, अदरक 1/4, 2 प्याज इसे भी हमने मोटा काट लिया है, लहसुन की कलियां करीब 9 से 10, 3 हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो बैगन को हम डंठल हटाकर काट लेंगे। इस तरह, तो इसी तरह सारे बैगनों को हम काट लेंगे डंठल हटाकर। देखिए सारे बैगनों को हमने काट लिया है, इसे हम साइड में हटाते हैं और मिक्सर जार में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, अदरक सारे को हम मिक्सर जार में पीस लेते हैं। तो देखिए इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। तो गैस ऑन करके हम कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है तो अब इसमें हम तेल डालेंगे करीब 3 चम्मच। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है तो अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं, जो पिसा हुआ टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन। और इसे हम भूजेंगे जब तक प्याज और टमाटर से कच्चापन ना हट जाए। तो इसी तरह करीब 2-3 मिनट और भूजेंगे। तो अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब फ्लेम को कर देंगे कम क्योंकि मसाले हमारे जले नहीं, और इसे थोड़ा देर के लिए भूनेंगे करीब 2-3 मिनट। तो देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, तो अब इसे हम नहीं पकाएंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। और मसाले जब ठंडा हो जाएंगे तो बैगन में हम भरेंगे। तो मसाला ठंडा हो गया है तो अब इसे हम बैगन में भर लेते हैं ऐसे। इसको अच्छी तरह से सारे बैगनों में भर लेंगे। देखिए इस तरह तो देखिए सारे मसालों को हम बैगन में भर लिए हैं। और ये हमारा थोड़ा मसाला बच गया है तो इसे हम ऊपर से डाल देंगे बैगन के ऊपर। इसे हम हटा लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम इसे बनाएंगे।
गैस ऑन करके कढ़ाई रख देते हैं गैस पर और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम तेल डाल देंगे करीब 3 चम्मच और इसे हम फैला लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो एक एक करके सारे बैगनों को हम धीरे से डाल देंगे। और गैस साफ हम कर देंगे लो और जितने सारे मसाले बचे थे इसे हम ऊपर से डाल देते हैं और इसे हम ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे ढक ढक कर ही पकाना है और इस बैगन में थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे हमारे बैगन अच्छी तरह से पक जाए और नमक मिल जाए। तो ढक्कन हटाकर हम रख लेते हैं बैगनों को। तो देखिए हमारे बैगन धीरे धीरे पक रहा है और इसे हम सारे बैगनों को पलट देते हैं। तो देखिए सारे बैगनों को हमने पलट लिया है तो इसे फिर हम ढक देते हैं और इसे गलने के लिए कम से कम 3-4 मिनट फिर छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। तो फिर ढक्कन हटाकर हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बैगन भी हमारा बहुत पक चुका है और बस और थोड़ा सा इसे और पकाना है फिर इसे हम पलट लेते हैं। करीब और 2-3 मिनट ढककर पकाएंगे और बैगन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम ढक देते हैं। तो ढक्कन हटा लेते हैं। देखिए बैगन हमारा बनकर तैयार हो चुका है बैगन भरवा। तो अब इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैगन भरवा इस तरह जरूर बनाइए और आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स बैगन भरवा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिए और इसे पूड़ी पराठे चावल पर खाइए। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।